आज़म है। मेरे वालिद का नाम शेख मकबूल है और मैं चादरघाट मूसा नगर की रहने वाली हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने नीट 2020 में आउट ऑफ 725 मार्क्स हासिल किए और मेरा ऑल इंडिया रैंक 54,841 है और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शादन मेडिकल कॉलेज में फ्री सीट हासिल हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट सिटी मॉडल हाई स्कूल से कंप्लीट की है, जहां मैंने एसएससी बोर्ड्स में 9.5 जीपीए हासिल किया। उसके बाद एक हमेशा एक स्टूडेंट को जब पूछा जाता है कि क्या बनना है, एम्बिशन क्या है, तो हमेशा से मेरा एम्बिशन डॉक्टर बनना था। लेकिन जो मालूमात रहनी चाहिए कि वहाँ तक कैसा पहुँचना, क्या करना, नहीं मालूम था। जब मैं 10th में आई, मेरी जस्तजू, मेरी मेहनत देख के मेरे लेट मोहम्मद अब्दुल शुकूर सर, उन्होंने हमेशा मेरे को एक रास्ता दिखाया, गाइड करे। उन्होंने बताया कि नीट लिखना पड़ता, उनको मालूमात थे और मेरे को रोशनी डाले मेरे फ्यूचर पे, तुम बन सकते, तुम कर सकते। उनकी दुआओं का, उनकी मेहनत का नतीजा है मैं यहाँ तक पहुँची। एक जहनी तौर पे प्रिपेयर कर दिए थे मेरे को 10th में उन्होंने कि यहीं पे नहीं, तुम्हारे आगे पे पढ़ना है तुम्हारे, बल्कि वो जो चीज़ डाले थे वही सोच के मैं हमेशा आगे बढ़ी। फिर मैं इंटर में ही चाहिए कि फर्स्ट ईयर में अच्छे कोचिंग में जाऊँ और इंटर के साथ ही क्रैक करूँ एग्ज़ाम, लेकिन मेरे को फाइनेंशियली मेरे को रुकना पड़ा। जब भी बहुत मशक्क़त, हर जगह गए हम लोग, लेकिन उतना पे नहीं कर सकने की वजह से मैं एट लास्ट MAM गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में एडमिशन ले ली। फिर मैंने अपना इंटर ख़त्म किया और इंटर में मैंने 97.6 एग्रीगेट हासिल किए। सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर होने के बाद मेरे को नहीं, अभी अगर मैं नहीं गई यहाँ से तो मैं कोचिंग रुक जाती, बल्कि मैं बीच में निकलने की कोशिश करी थी वहाँ से, बट मेरे को TC नहीं मिली, क्योंकि एक बार कोई कॉलेज में गई बार TC नहीं मिलती। वो टाइम पे भी बहुत प्रॉब्लम हुई हम लोगों को, बट वो कॉलेज वाले भी चाहते थे कि एक ब्राइट स्टूडेंट हमारे कॉलेज से नहीं जाना, बल्कि वो लोग TC इशू नहीं करें, बट अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड्स के लिए अच्छा प्रिपेयर कराया वहाँ पे। फिर उसके बाद जब मैं 19 में मेरे को हासिल नहीं हुई मेरे मार्क्स जो आना था एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो थोड़ा मायूस हुई। लेकिन फिर अम्मी पापा थे, मायूस न को हो तो मेहनत करने वाले हैं, तुम्हारे कोचिंग नहीं मिली इसीलिए रुक गए, ये साल मेहनत करो इंशाल्लाह आ जाती है। और उन लोगों की दुआ और सपोर्ट का नतीजा जब मैं एक साल MS जूनियर कॉलेज में कोचिंग ली, अल्हम्दुलिल्लाह नीट 2020 में एग्ज़ाम लिखने के बाद मेरे को फ्री सीट हासिल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताइए, आप इतना टाइम, इतना स्टडी का टाइम क्या रहता था आपका, इतना लगन से जो पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसका? कॉलेज टाइमिंग ही मेरे सुबह 7 बजे से शाम में 6:30 तक रहती थी, वहीं हम लोगों को स्टडी आवर्स भी देते थे, साथ साथ डाउट्स क्लैरिफिकेशन भी रहता था। जो फिजिक्स केमिस्ट्री डाउट्स थे कॉलेज में क्लियर करने के बाद, घर पे आके जो दूसरे सब्जेक्ट्स थे उसके लिए पढ़ लेती थी, फिर सुबह रोज़ रेगुलर क्लासेस को जॉइन चले जाती। दूसरे स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं सबके लिए यही मैसेज देना चाहूँगी, खासकर गर्ल्स के लिए, कि अगर पढ़ना चाह रहे हैं, अपने अंदर टैलेंट है, तो उसको एक लिमिटेड मत रखो। यूजुअली अपन ये, मैं भी यही सोचती थी कि फाइनेंशियल, बोले थे मेरे को फाइनेंशियली स्ट्रांग इज रहे तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से उसमें जा सकते, MBBS कर सकते, डॉक्टर, इंजीनियर, और जो भी जो बड़े बड़े मुकामात है, जो अपन के सोसाइटी के जो स्ट्रांग पिलर्स है, वो सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग जा सकते। लेकिन मेरे को ये था, जब मेहनत कर रहे अपन तो रुकना, कहीं को सपोर्ट है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ता बनाते। तो मैं सबसे ये बोलूँगी, अगर आपके अंदर ख्वाहिशात है, कुछ करना चाह रहे, कुछ बनना चाह रहे, तो आगे बढ़ो, क्योंकि अपन अल्हम्दुलिल्लाह अपना स्टेट भी इतना अच्छा है कि माइनॉरिटीज़ को भी हमेशा हेल्प मिली, तो रोको मत। जितने भी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स गर्ल्स को रोकते हैं कि माहौल अच्छा नहीं है, बल्कि ऐसा मत समझिए, आप लोग उन लोगों को मौका दीजिए, भरोसा करिए, क्योंकि अपन लोग अभी अगर आगे बढ़ के अगर मेहनत करेंगे तो अपन भी एक कॉम्पिटिशन में रहेंगे, और जस्ट एजुकेशन में और आगे बढ़ के दिखाएंगे, तो अपने घर के बाद अपना शहर हैदराबाद, हैदराबाद से तेलंगाना, उसका नाम रोशन होएगा, और डेवलपिंग से डेवलप्ड में पहुंचने में अपन को देर नहीं लगती। तो हर बच्ची और बच्चा आगे बढ़ो, एजुकेशन में आगे बढ़ो, और नॉर्मल काम हर कोई कर सकता है, लेकिन अपन को उसमें से यूनिक बन के दिखाए, तो अपन आगे बढ़ के दिखाए तो एक अच्छी बात हो सकती है और अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते। तो सब बच्चियां भी आगे बढ़ो, पढ़ो, और जो ख्वाहिशात है उसको अपने तक मत रखो, अम्मी अब्बा से जाहिर करो, बताओ उससे क्या हो सकता क्या नहीं, उसके बाद आगे बढ़ के दिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मेरी ड्रीम की तरफ ही फर्स्ट स्टेप है MBBS का कॉलेज, अभी मेरे को 5 साल बाकी, इतनी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस हो रही। मैं कभी कभी ख्याल आता था ऐसा बैकवर्डली रहने की वजह से शायद मैं रुक जाऊँगी, रुक गई भी थी, लेकिन
सपोर्ट रहने की वजह से आगे बढ़ी, मेरे अम्मी पापा सारे घर वाले, तो अब इतना अच्छा दिख रहा कि अल्लाह के फजलो करम और मेहनत और मशक्क़त माँ बाप की दुआ से यहाँ तक पहुँची अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह 5 साल MBBS करने के, मेरा सबसे बड़ा सपना तो न्यूरोलॉजिस्ट बनना है। 5 साल यही मेहनत जब तक करी करूँगी इंशाल्लाह, अम्मी अब्बा का सपोर्ट रहेगा तो, उसके बाद MD करके इंशाल्लाह न्यूरोलॉजिस्ट बनूँगी।